अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं बना रही हूँ बटर क्रीम। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए अनसॉल्टेड बटर 450 ग्राम, वनीला एसेंस 2 टीस्पून, एग वाइट्स 115 ग्राम, आइसिंग शुगर 450 ग्राम। आइसिंग शुगर को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। एग वाइट्स को हम इस तरह डबल बॉयलर पर पका लेंगे। मुस्तकिल आपको इसमें विस्क चलाते रहना है ताकि ये पकना ना शुरू हो जाए। इसको बस हल्की सी स्टीम पर हमें गरम करना है। मुझे ये करने में तकरीबन 45 सेकंड्स लगे थे। इसको अब हम चूल्हे पे से हटा लेंगे। बोल में आप डाल दीजिए सारी आइसिंग शुगर। अच्छा, इसको बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टैंड मिक्सर ही चाहिए, आप इसको हैंड बीटर से भी बना सकते हैं। अब इसमें जाएगी एग वाइट्स। अब हम इसको हल्की स्पीड पर मिक्स कर लेंगे, आइसिंग शुगर को और एग वाइट्स को। साइड में जो आइसिंग शुगर लगी रह गई है उसको आप स्पैचुला से हटा लीजिए। अब हम इसको तेज स्पीड पर 5 मिनट तक बीट करेंगे। देखिए हमारी एग वाइट्स जो हैं वो कैसी अच्छी स्टिफ हो चुकी हैं। अब हम इसमें मक्खन ऐड कर लेंगे। मक्खन आपको सारा नहीं डालना एक दफा में, इसको 4 से 5 दफा में हम ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। मक्खन का ख्याल कीजिएगा कि ना तो बहुत सख्त हो और ना बहुत नरम हो। अगर आपको लगे कि बहुत ही सॉफ्ट हो गया है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा फ्रिज में रख दीजिएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा जब हम इसमें बटर ऐड करते हैं तो ये कर्डल हो जाती है, तो उसका तरीका ये है कि आप उसको बीट करते रहिए। अगर फिर भी वो नहीं हो बटर क्रीम सही नहीं हो तो आप उसको बोल को बटर क्रीम के फ्रिज में रख दीजिएगा 15 से 20 मिनट के लिए। इस बटर क्रीम को आप पहले से बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं आराम से, ये बहुत अच्छी रहती है। इसको रूम टेम्परेचर पर फिर आप लाके या तो बीटर से मिक्स कर लेगा या हैंड विक्स से मिक्स कर यूज़ कर लीजिएगा। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर होता है व्हिपिंग क्रीम की तरह। ये बटर क्रीम बहुत मीठी नहीं होती जैसे कि नॉर्मली बटर क्रीम होती है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा।
सारा मक्खन ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक तेज स्पीड पर बीट करेंगे। बीट करने से पहले एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए, ताकि अगर एग वाइट से कुछ नीचे लगा रह गया है तो वो मिक्स हो जाए। देखिए कैसी अच्छी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। आप इसको फॉन्डेंट केक के अंदर भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इससे कपकेक्स डेकोरेट कर सकते हैं और केक को फिल भी कर सकते हैं और डेकोरेट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर होता है, सिल्की स्मूथ सा। ये तकरीबन तैयार है। आप चाहें तो यहाँ इसको स्टॉप कर सकते हैं, बस इसमें वनीला एसेंस ऐड करके मिक्स कर लीजिएगा और ये तैयार है। लेकिन मैं इसका जो है ये हटा के विस्क अटैचमेंट, पैडल अटैचमेंट लगाती हूँ और 5 मिनट के लिए हल्की स्पीड पर और मिक्स करती हूँ। उससे ये होता है कि इसका जो टेक्स्चर है वो और स्मूथ और क्रीमी हो जाता है। ऑप्शनल है, या अगर आप नहीं चाहें तो आप यहाँ पर इसमें वनीला एसेंस ऐड करके मिक्स करके और बस इसको हटा लीजिए। अच्छा, इससे जो आप केक को कवर करेंगे उससे सर्दियों में तो आप रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन गर्मियों में आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, इसलिए कि हम सारा मक्खन यूज कर रहे हैं तो मक्खन मेल्ट हो जाता है गर्मियों में। ये देखिए बन गई हमारी बटर क्रीम, कैसे अच्छा सा ये अपना शेप होल्ड कर रही है और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट और बिल्कुल स्मूथ सा है। आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, इसको फ्लेवर वाली बटर क्रीम बना सकते हैं, जैसे कि कोको पाउडर, मेल्टी चॉकलेट। मैं आपको सिखाऊंगी लेमन बटर क्रीम और स्ट्रॉबेरी बटर क्रीम बनाना। उसके लिए आप बोल में ले लीजिए थोड़ी सी बटर क्रीम। इसमें अब हम ऐड कर देंगे लेमन कर्ड। लेमन कर्ड मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले बनाना, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो इसको बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं बस ऐसे ही इसको हैंड विक्स से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह आप कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर दीजिए, पीनट बटर ऐड कर दीजिए, नोटेला ऐड कर दीजिए, मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर दीजिए, वाइट चॉकलेट ऐड कर दीजिए, कोई भी फ्लेवर आपको बनाना हो उसको ऐड कर दीजिए। अच्छा, मैं येलो कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं ऐड करना तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। देखिए कैसा अच्छा सा स्टिफ सी हमारी लेमन बटर क्रीम बन गई है।
स्ट्रॉबेरी बटर क्रीम बनाने के लिए भी हम एक बोल में थोड़ी सी बटर क्रीम ले लेंगे और उसमें मैं ऐड करूँगी ये रेडीमेड स्ट्रॉबेरी फिलिंग। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह स्ट्रॉबेरी जैम यूज़ कर लीजिए या फिर घर में स्ट्रॉबेरी प्योरी बना लीजिए, वो ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें कलर पहले से ऐड होता है तो मैं कोई कलर नहीं ऐड करूँगी, आप देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत होगी तो आप थोड़ा सा पिंक कलर ऐड कर दीजिएगा। इसको भी हम इसी तरह मिक्स कर लेंगे और बस बन गई हमारी स्ट्रॉबेरी बटर क्रीम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।